जी बोलिए, कैसी हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। टेंशन में अभी तो टेंशन अल्लाह ताला इंशाल्लाह दूर करेगा, लेकिन ऐसे टेंशन लोगों से टेंशन तो होती है जैसे आप बता रहे हैं। होती है, फैमिली में टेंशन में आ जाते हैं लोग। बिल्कुल। और फिर जो इंसान दिन के काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए इस टाइम थोड़ा माहौल ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा रहना पड़ता है। अरे अब ये होता है ना कि कोई भी आ रहा है तो जो जेन्युइन लोग होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक आदमी जो आया था 4-6 दिन पहले, वो उसने मुझे गिफ्ट में खजूर दी और एक दो चीजें खाने की और दी। आप ये समझ लीजिए वो अभी तक रखी हुई है, डर लग रहा है खाते में। जी बिल्कुल, एहतियात तो जरूरी है, अल्लाह ने भी सही बताया कि एहतियात करें। बात। और बताएं आप सब लोग बस कैसी हैं, और कोई बात करें, क्या बोल रहे हैं, कैसा रहा आप लोग? स्कोर से अच्छा था, बहुत चलिए अच्छा पढ़ाया। बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती सर, सलाम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बरकातुहू। शुक्र है। आप लोग कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हैं जी अभी? ये भाई को थोड़ा दीन सिखा दीजिए। कौन से भाई को? अच्छा, इससे ये जो इस ये जो आज की क्लास हो रही है, सॉरी आज जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट देने का, इसमें हमारी 3 मंथ की स्टूडेंट्स भी शामिल हैं और 6 मंथ की स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, तो इसीलिए दोनों बैचेस एक साथ आप लोगों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। वैसे तो सर्टिफिकेट नॉर्मल अब तक दिए गए हैं, लेकिन मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि नहीं मुफ्ती साहब, थोड़ा सा प्रोग्राम रख लेते हैं छोटा सा, और उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, बातचीत करेंगे और आइंदा क्या प्लान है बच्चियों का वो डिस्कस करेंगे। लेकिन वो प्लान को भंग करा दिया उस लेडी ने जो आई हुई है। अच्छा बोलिए आप लोग। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती साहब। सलाम। मुफ्ती साहब, आपसे बात करने की बहुत ख्वाहिश थी। जब मैंने देखा था कि ये हमसे जो पहले वाली जो बहस थी, वो लोग आपसे बात किए थे, तब से मैंने मुफ्ती नदीम साहब से पूछा भी था कि क्या हम लोग भी बात कर सकेंगे, और आपसे मिलने की भी बड़ी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कहाँ से पूरा बात कर रही हैं? राजा जी। कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मुफ्ती साहब, मैं गोरखपुर से, गोरखपुर यूपी से बोल रही हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल। मेरी बेटी है वो, उसने भी आपसे बात किया था एक बार जब लाइव क्लास चल रही थी। तो मेरी दो बेटियां हैं, वो भी बहुत बड़ी फैन है आपकी, और जब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो वो बेटियां भी मेरी देखती हैं। जितनी दुआएं मैंने याद की हैं, उससे कहीं ज्यादा मेरी बेटियां याद कर ली हैं। मेरी अच्छा बेटी भी आपसे बात करना चाहती है। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती वालेकुम साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब को कॉल लगा के पूछो क्या हुआ। अच्छा, आपने तो वीडियो भी भेजी थी शायद मेरे पास, मैंने अपने पर्सनल नंबर पर भी शेयर की थी वो वीडियो आपकी, और आपने बहुत अच्छे से मुबारकबाद दी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आप कोई दुआ पूछें या कुछ पूछें, मेरी बेटी अजान की, अजान के बाद की दुआ याद की है, और बहुत सारे सूरे भी याद करी है माशाल्लाह, और आयतल कुर्सी वगैरह भी याद किया है इसने। आप कुछ पूछना चाहे तो पूछें, ये सुनाना बताना चाहती है आपको। बहुत अच्छी बात है, सुनाइए क्या याद किया है। अजान की बात की दुआ बताना, अजान के बाद की दुआ। अरे माशाल्लाह, आप पता है क्या करूं, आप मुझे सुनाओ मत, आप जो है ना सारी दुआएं याद करके एक अच्छे से वीडियो बनाओ और मुझे आप शेयर करो, मैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा और बहुत सारे बच्चे आप लोगों को देखकर दीगर दुआएं याद करेंगे। हमारे घर में हमारी अम्मी ने आपकी वीडियो देखी, हमारी वाइफ ने देखी, हमारी सिस्टर ने देखी, सबने कहा कि ये बच्ची कितने अच्छे से विश कर रही है आपको। मैंने अपने स्टेटस पे भी उसको शेयर किया था। जी 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 माशाल्लाह मुफ्ती साहब, और मेरी
बेटी भी आपसे मिलना चाहती है, बहुत इसकी भी बहुत ख्वाहिश है, और सारे वीडियो संडे कमेंट बॉक्स और सारे देखती है, और नमाज भी माशाल्लाह सारी चीजें नमाज की याद करी है और नमाज भी पढ़ती है माशाल्लाह। अभी 4 सितंबर में ये 8 ईयर की हुई है माशाल्लाह। एक बात आपसे दुआ की गुजारिश है मुफ्ती साहब, इसकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमने इसका सर्जरी कराया है चेन्नई से, तो मुझे बहुत टेंशन होती है इसको लेकर। मैं चाहती हूँ आप दुआ करें, और आपसे तो इतने लोग जुड़े हैं, और सब लोग दुआ करें मेरी बेटी के लिए। अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की आफियत से नवाजे, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी सलामत रखे जब तक इसकी जिंदगी है। सभी लोग दुआ करें और इंशाल्लाह हम भी दुआ करें। अल्लाह पाक इनको अजान के बाद मुफ्ती साहब मुझे को अजान के बाद की दुआ सुनानी है, जल्दी से सुना दो। अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु वहदहु ला शरीका लहु أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں۔ चलो शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अच्छा और अच्छे से याद करना बेटा, और मुझे रिकॉर्ड करके भेजना। मुफ्ती नदीम अख्तर साहब माशाल्लाह जो आप लोगों के और हम सब के उस्ताद हैं माशाल्लाह, मुफ्ती नदीम अख्तर साहब ज्वाइन हो चुके हैं। मुफ्ती साहब आवाज आ रही है आपको? मुफ्ती साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? मुफ्ती साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब दोनों बैच की स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, 6 मंथ की भी और 3 मंथ की भी। हाँ भाई दोनों तरफ आ गए ना, सबको सब दोबारा मैसेज करोगे कि सब लोग ज्वाइन कर लें। टोटल मुफ्ती साहब जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपको पता है, और अब आप कुछ इरशाद फरमाना चाहें, कुछ नसीहतें स्टूडेंट्स को करना चाहें तो मुफ्ती साहब आप नसीहतें कर दीजिए, फिर उसके बाद 2-3 बातें मैं कह लूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह रिजल्ट का अनाउंसमेंट आप कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप ही के जरिए अनाउंसमेंट हो, और फिर उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी तो बच्चियों को सर्टिफिकेट भेज दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। बड़ी खुशी की बात है मुकासमी साहब के चैनल के वास्ते से आप लोगों को दीन सीखने का बेहतरीन मौका मिला, और इस नाचीज को ये मौका मिला कि वो कुछ जो कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है और हकीकत में दीन और पूरा मुकम्मल चाहे वो अकायद हों या फिर इबादात से रिलेटेड बातें हों, अखलाकियात हों, माशरत हो, मामलत हो, वो सब तालीमात एक अमानत थी जो मुझे अब तक पहुँचानी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ में और 6 मंथ में आप हज़रात ने शामिल हो जो है मुकम्मल तरीके से पढ़ा, जिसमें 6 मंथ वाले तो काबिल मुबारकबाद हैं कि इन्हों हजरात ने बड़ी यकसोई के साथ बड़े शौक रगबत चाहत क्लास को ये खा जी। खास तौर से 6 मंथ में चूंकि उनके लिए कि अभी वो जरा सर्टिफिकेट प्रोग्राम चल रहा है, नसीबी थी कि उनके 6 मंथ पूरे इतने गए कि शायद दूसरे हजरात जो ऑनलाइन दीनी कोर्स या बेसिक इस्लाम रिलेटेड बातें हैं सब आपने सुनी माशाल्लाह, और आप लोगों ने उसको याद भी किया। एग्जाम लिया गया और एग्जाम की शक्ल हमारे यहाँ एम कासमी साहब ने ये तजवीज़ की, ये तय किया कि व्हाट्सएप कॉल लगाते हैं, अगर व्हाट्सएप कॉल पे ना लग पाए तो फ़ोन कॉल लगाते हैं, और उसमें
कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग उनके आंसर देते हैं और आपने दिए भी हैं। मैंने और मुफ्ती अब्दुल नासिर साहब कासमी दोनों ने ही आप लोगों के इम्तिहान लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, कुछ का बहुत अच्छा था, कुछ का सिर्फ अच्छा था, लेकिन फेल कोई भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे रहे। इसी तरह 3 मंथ कोर्स में बहुत से लोग, बहुत सी हमारी बहनें ऐसी थीं जो दीन और दुनिया दोनों ही तालीम से महरूम थीं। उनको जो कुछ क्लास में पढ़ाया गया उसमें से 4 या 5 ने नोट्स के तौर पे कुछ लिखा या ग्रुप पर शेयर करके उसको याद किया। बात बाकी के तमाम बहनों ने सिर्फ सुनने पर इक्तफा किया और फिर उनके एग्ज़ाम हुए, उनके इम्तिहानात हुए, उनके भी अच्छे ही रहे रिजल्ट। दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सीखा और सिखाया गया, जो कुछ बताया और सुना गया, उसको अल्लाह ताला अमली लाइफ में, अमली जिंदगी में भी उसको ले आए, क्योंकि इल्म जब तक अमल में नहीं है तो वो इल्म नहीं है बल्कि नॉलेज। नॉलेज तो हमें बहुत कुछ होती है लेकिन इल्म बहुत कम होता है, और इल्म हकीकत में वही कहलाता है जो हमारी लाइफ में हो, हमारी लाइफ में हो, हमारी अमल जिंदगी में हो। हमने अगर ये पढ़ा है अस्सिदकु युंजी, या हमने ये पढ़ा अल-मुमिन लायक्ज़िब, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, तो यकीनन हमें वैसा ही बनना है। हमने ये पढ़ा है अल-जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, के जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, तो हमें चाहिए कि माँ की खिदमत करें और उनको वाकई अपनी जन्नत समझें। हमने पढ़ा है रिजल रबी फी रिजल वालिद, अल्लाह ताला की खुशनूदी वालिद की खुशनूदी में है, तो ये चीज़ हमारे सामने होना चाहिए। हमने पढ़ा है मिफ्ताहुल जन्नति सलाह, जन्नत की कुंजी जो है नमाज है, तो नमाज हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। बहरहाल ये जो भी कुछ हमने पढ़ा है और आप लोगों को पढ़ाया गया है, अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको हमारी अमली ज़िंदगी में भी ले आए। और जिस तरीके से मुफ्ती एम कासमी साहब के चैनल पर होने वाले एग्ज़ाम में आप पास हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न आपने या रैंक हासिल की, तो और अब आपको सर्टिफिकेट भी, वो मुबारक दिन, वो खुशी की घड़ी भी आप पहुंची है, जबकि आपको आपका सर्टिफिकेट आपके पास पहुंचाया जाए, आपके पर्सनल नंबर पर शेयर किया जाए, क्योंकि ग्रुप में तो शेयर करना मुनासिब नहीं है, बेहतर ये है कि हम पर्सनल नंबर पर उसको सेंड करेंगे, आप उसको निकलवा के रख लें। तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इज्जत से हमें यहाँ पर नवाजा है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि असल इम्तिहान जो हमारी जिंदगी के बाद होंगे और 2 पेपर होंगे, उसमें फर्स्ट पेपर ए है जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे जो कब्र के क्वेश्चन हैं, मन रब्बु का, मन नबीयु का, मा दीनु का, इसके जवाबात भी हम ऐसे ही दे दें जैसे कि एम कासमी चैनल के जरिए से दीनी बेसिक कोर्स में आपने क्वेश्चन के आंसर दिए और आप पास भी हुए। इसी तरीके से पेपर भी है हश्र के मैदान में, जबकि सब इंसानियत जमा होगी और वहां पर ये सवाल किया जाएगा कि कितना आपने दीन को जाना और कितना उस पर अमल किया, और दूसरा होगा कि आपने अपनी उम्र किस में बिताई, क्या और चैनलों में या सिर्फ मुफ्ती एम कासमी साहब के चैनल को देखकर आपने इल्म में इजाफा करा, अपनी लाइफ को चेंज किया, जो आप इस चैनल से वाबस्ता नहीं थे तब आपकी लाइफ कुछ और थी और अब कुछ और हो गई, ये भी क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से माल आपने कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, कहीं ऐसा तो नहीं है गुनाह के कामों में खर्च किया, या आप इस चैनल से वाबस्ता होकर मुफ्ती एम कासमी साहब से जुड़कर आपने दीनी वर्क में डोनेट करके वो जो है हश्र के इम्तिहान और एग्ज़ाम की तैयारी में आप पास हुए। तो मेरी दुआ यही है कि जिस तरीके से इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में हम कामयाब हुए हैं, सुरखरू हुए हैं,
और हमने हमें इज्जत मिली है, इसी तरीके से हम अपनी लाइफ को गुजारें ताकि हमारी जिंदगी के बाद जो दो पेपर होने हैं वो कब्र के अंदर एक हश्र के मैदान में, हम उन पेपर में भी अच्छे मार्क्स से कामयाब हो सकें और अल्लाह की रजा हासिल कर सकें। जी मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, अच्छा जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल-जज़ा मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला और ये बच्चियों को पढ़ाया है। मैं अक्सर मुफ्ती साहब से जब भी मिलता था तो मुफ्ती साहब से कहता था कि मुफ्ती साहब थोड़ा पढ़ाइए, मुफ्ती साहब थोड़ा पढ़ाइए। और जब भी हम लोग बैठा करते थे, मुफ्ती नासिर साहब, मुफ्ती नदीम अख्तर साहब, चूँकि मैं मुफ्ती नदीम अख्तर साहब को जानता हूँ कि मुफ्ती साहब दिलो जान से पढ़ाते हैं और ये नहीं देखते कि गर्मी है, सर्दी है, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, पढ़ाने से मतलब है। और मुफ्ती साहब ने आप लोगों को यकीन मानिए इतना पढ़ा दिया है कि आप एक साल के कोर्स जो पूरे इंडिया में चल रहे हैं ना, वो कोर्स ज्वाइन करके देख लेना, आपको पता चलेगा कि एक एक दो दो साल के जो इस्लामिक कोर्स चलते हैं ना, उसमें इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना मुफ्ती साहब ने 3 मंथ वालों को पढ़ा दिया है, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। खैर, मुफ्ती साहब आप सर्टिफिकेट का आप ऐलान कर दें, उसके बाद जिसको जो कहना होगा वो आप लोग आखिर के 15 मिनट में अपनी बात कह लीजिएगा। जी मुफ्ती साहब। सब मुझे ये वहां अंदर जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए? अच्छा अच्छा, आपको अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो मुफ्ती साहब वो क्लास कटेगी नहीं, आप चले जाइए, आप एक बार नाम लिख लीजिए। अच्छा। या वो आपको उसमें होगा ना पर्चे में पर्चा मुझे देना जरा, मुझे दो पर्चा। आप पर्चा आप ही के पास है, आप ही ऐलान कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, फिर मैं ऐलान कर देता हूँ, आप सेंड कर दीजिएगा। जी 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 जी। उसके अलावा तो कोई था नहीं, या उसके अलावा कोई था? नहीं, कोई नहीं था। मुफ्ती साहब आप चाहें तो इसको पीछे जाके बैक करके आप ऐलान कर सकते हैं, आपकी आवाज आ जाएगी। अच्छा अच्छा, आ रही है। मैं 6 मंथ वालों का ऐलान करता हूं। करिए, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, 6 मंथ वालों में जी सबसे पहले हैं शेख नागौर भी, फर्स्ट पोजीशन। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सभी क्वेश्चन के आंसर दिए। तकरीबन इनसे मैंने 10 या 15 मिनट तक मुसलसल क्वेश्चन करता रहा और ये हर क्वेश्चन का आंसर बड़े इत्मीनान से और तफसील से देती रही। इनकी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, माशाल्लाह। पोजीशन माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो शेख नागौरी को। जी मुफ्ती साहब, नेक्स्ट। और दूसरी है कनीज जैनब, इनसे इनका इम्तिहान मुफ्ती अब्दुल नासिर साहब ने लिया और इन्होंने भी माशाल्लाह अच्छा सब क्वेश्चन के, अक्सर क्वेश्चन के आंसर दिए और इन्होंने एग्जाम में पोजीशन हासिल किए, सेकंड पोजीशन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। जी मुफ्ती साहब। शेख गुलिस्ता, ये है धारवी की, ये मुंबई धारवी, इन्होंने अच्छा। भी अच्छी तरीके से एग्जाम दिया और इनकी पोजीशन है सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन, बहुत बहुत मुबारक। जी मुफ्ती साहब। शाहीन है, ये न्यू दिल्ली के, और बेहतरीन क्वेश्चन के आंसर दिए और इन्होंने पोजीशन हासिल की है फर्स्ट पोजीशन। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। जी मुफ्ती साहब। गुलसबा खातून, इनका जो क्वेश्चन, इन्होंने भी अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल की है और इनकी पोजीशन थर्ड पोजीशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक। जी मुफ्ती साहब। आरफी अंजुम गाजियाबाद से हैं। अच्छा। इनकी भी बेहतरीन पोजीशन हासिल इन्होंने की है और अच्छे नंबर से थर्ड पोजीशन हासिल की है इन्होंने। आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा सबका। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। जी मुफ्ती साहब, आगे। अलीना है, ये गाजियाबाद की हैं, इन्होंने भी बेहतरीन का नंबरात से कामयाबी हासिल की और इनको पोजीशन इन्होंने हासिल की है सेकंड पोजीशन। माशाल्लाह माशाल्लाह। आफरीन अंजुम, ये भी झारखंड की हैं और इन्होंने बेहतरीन नंबरात से कामयाबी हासिल की और इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए
और नेक्स्ट और अनुषा इरम, इन्होंने बेहतरीन सवालात के जवाब दिए, और ये है मेरठ, मेरठ टीम में इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो थे ये थे सिक्स मंथ में, जिसमें जो तस्नीम फातिमा जो अपने वालिद साहब की बीमारी की वजह से एग्जाम नहीं दे पाई हैं, उन वो जब एग्जाम देंगे तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी मुफ्ती साहब, थे हाँ हाँ नौ बहनें थी, जिसमें से एक बहन तस्नीम फातिमा है, इन्होंने नहीं दिया है एग्जाम, नहीं दिया। जब ये एग्जाम दे देंगे तो इंशाल्लाह इनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये अच्छा, सिक्स मंथ के थे। अब थ्री मंथ के थे। अब आप आते हैं जी, अब हम आते हैं थ्री मंथ में। थ्री मंथ में जी तकरीबन हमारे पास ये चौदह लोग हैं, चौदह बहनें हैं, और इसमें सबसे पहले अलिशबा फातिमा जी। अलिशबा फातिमा ये है मुर्शिदाबाद की, इन्होंने बेहतरीन कामयाबी से हासिल की है और थर्ड रैंक से ये कामयाब हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अनाम है, जिला इटावा की हैं, और इन्होंने भी बेहतरीन कामयाबी हासिल की है और इनकी है थर्ड पोजीशन। और फिर है अनवारा बेगम, माशाल्लाह ये एक आलिमा की वालिदा हैं, और इन्होंने बेहतरीन पोजीशन हासिल की है, फर्स्ट पोजीशन हैदराबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। जी मुफ्ती साहब, और एक है अलिशबा फहीम मुर्शिदाबाद की, ये तो हो। अब आते हैं अक्सा फारूकी जी, ये हैं इंदौर की, इन्होंने भी बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है और थर्ड पोजीशन हासिल की है इन्होंने। एक है बेबी बानो, ये कानपुर से हैं जी, और इन्होंने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है, यानी इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है। अच्छा माशाल्लाह। बुशरा है बाराबंकी की, इन्होंने भी बेहतरीन कामयाबी हासिल की है इस हमारे एग्जाम में, और इनके सर्टिफिकेट में इनको थर्ड पोजीशन मिली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है हमारी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रूबीना खातून, अरे माशाल्लाह। और ये तेलंगाना हैदराबाद इल्मी शहर की, और इन्होंने पोजीशन हासिल की है माशाल्लाह। और है गुलिस्ता आरा, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, ये कुशीनगर माशाल्लाह। और निशाली है मध्य प्रदेश की इंदौर, इन्होंने का बेहतरीन कामयाबी हासिल की है, यानी थर्ड पोजीशन। रेशमा बानो इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, ये है अजमेर राजस्थान से। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए सभी को। जी मुफ्ती साहब, आमीन सुम्मा आमीन। और ये सोमा फतेहाबाद से, इनकी पोजीशन है थर्ड पोजीशन माशाल्लाह माशाल्लाह। बारा को भाई सबको। जी मुफ्ती साहब आगे। सोनम पठान, ये है जयपुर की, इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है माशाल्लाह, बहुत मुबारक। तबस्सुम खातून, ये है बिहार की, और इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है माशाल्लाह। और दूसरी है तबस्सुम महाराष्ट्र से, इन्होंने इम्तिहान नहीं दिए। अच्छा, जिन्होंने मुफ्ती साहब इम्तिहान नहीं दिया है तो वो बाद में दे देंगी, आप ले लीजिएगा। जी तो, हाँ, जी आप और... किसी का रह गया हो तो बोले बहन जी, किसी का रह गया तो वो बता दे। सर मेरा रह गया फिरदौस। फिरदौस मुस्कान, अच्छा फिरदौस, हाँ जी जी जी, फिरदौस भी रह गई हैं। आपने बाद में दिया था बहन? मैंने बाद में दिया था। जी जी जी, बस आपका, आप भी बेहतरीन पोजीशन हासिल किया आपने माशाल्लाह।
बताइए। और आपको आपकी आपकी पोजीशन है दिल थामिएगा और वो अच्छी तरीके से वेस्ट बंगाल से हैं फिरदौस, इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है माशाल्लाह। शुक्रिया। कोई और रह गया? मुफ्ती साहब, मैं सुन नहीं पाई, मेरा आवाज बढ़ गई थी, तो क्या रुबीना के बारे में बता दें, मुफ्ती साहब, रुबीना, मुफ्ती साहब, रुबीना, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाई, उस टाइम आवाज थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो आवाज साफ में आ रही थी। डॉक्टर साहिबा हैं जी मुफ्ती साहब? माशाल्लाह, डॉक्टर साहिबा है हमारे तेलंगाना हैदराबाद से, डॉक्टर रुबीना खातून, इन्होंने पोजीशन हासिल किया, बेहतरीन पोजीशन, अच्छे नंबर, अच्छे नंबरों से थर्ड पोजीशन हासिल की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मैं तेलंगाना से नहीं हूँ, मैं यूपी से ही हूँ, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। अच्छा, आपका एड्रेस चूंकि वहीं का डला हुआ है, उस सर्टिफिकेट में इसलिए नहीं होता, मुझे लगा आप पोस्ट करेंगे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ का एड्रेस ही डाला था कि आप पोस्ट करें ताकि मुझे मिल जाए। तो आपका वो बदलना है एड्रेस क्या है? नहीं नहीं नहीं, वहीं पे आप हॉस्पिटल एड्रेस पे ही भेजिएगा, क्योंकि मैं अभी वहीं पे काम कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, गांव में ही मिलेगा सर्टिफिकेट। हम लोग बाय पोस्ट नहीं भेजते मुफ्ती। हाँ, मैं उस सिलसिले में मैं बता दूँ जी। मुफ्ती साहब, कोई और रह गया? मुफ्ती साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो एक मिनट में बात बता दूँ। ये जो महाराष्ट्र से आपका नहीं हुआ क्या? जी, मेरा एग्जाम लिया था नदीम साहब ने लिया था। तबस्सुम, मैंने अभी आपको बताया जी, आपने कहा मैंने एग्जाम नहीं दिया। जी, महाराष्ट्र से हूँ, आपने कहा कि मैंने एग्जाम नहीं दिया, आपने मुझसे सवाल किए थे। अच्छा, इस वक्त अभी मैं सवाल कर लूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं हो पाएगा एग्जाम, सवाल बाद में होगा एग्जाम। तो जी नहीं, मुझे पूछे थे सवाल उन्होंने और मैंने जवाब दिए थे। अच्छा, तो हाँ हाँ, ठीक, आपकी तबस्सुम, आप महाराष्ट्र से है ना? जी, हाँ, आपकी है सेकंड पोजीशन माशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। कोई और रह गया है? चलो, कोई नहीं रह गया। देखो, आप ये समझ, ये जो सर्टिफिकेट आप लोगों का है, ये पीडीएफ में आपको व्हाट्सअप किया जाएगा। अब आप इसको जिस शीट पर चाहोगी, 20 रुपए में, 30 रुपए में, 40 रुपए में, आप आराम से प्रिंट करवा लोगे। इसीलिए पीडीएफ दिया जाता है। हम यहां से प्रिंट करा के अगर भेजें तो 100-150 रुपए का खर्चा बैठेगा, प्लस वो जाते जाते आपके घर वो खराब हो जाएगा, मुड़ जाएगा और बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो पार्सल के जरिए भेजा जाता है तो वो बेकार हो जाता है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको ये व्हाट्सअप किया जाएगा, आप मोबाइल में रखो, मोबाइल में रख सकती हो, और आप इसे प्रिंट कराना चाहो तो 20 रुपए में इजीली आप प्रिंट आउट हार्ड शीट पर, बारीक शीट पर, आप किसी बोर्ड पर, किसी भी चीज पे आप जिस पे चाहो प्रिंट करा सकती हो अपने एरिया में जाके। इसलिए ये आपको पीडीएफ भेजा जाएगा, जिसमें हमारे लिए भी आसानी है और आपके लिए भी आसानी है। अब जिसको जो बात बोलनी हो वो बोल सकती है, 5 मिनट का टाइम है। मैं तो बहुत खुश हूँ, और कुछ नहीं बोलना जी। आपको देख कैसे मुफ्ती साहब, मैं बोल रही हूँ, आप मेरठ नहीं आए, मुझे बहुत टाइम से शिकायत है। आपने बोला तो था निकाह पढ़ाने आइएगा मुफ्ती साहब, हम निकाह पढ़ाने आ जाएंगे। नहीं, उससे पहले भी आ जाइए मिलने के लिए। चलो, तो मुफ्ती साहब और हम दोनों इंशाल्लाह जब भी आएंगे तो आएंगे, आप यहाँ दीवान वगैरह का प्लान बना लेंगे तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कोलकाता भी आना पड़ेगा? कोलकाता आना पड़ेगा, चलो कोलकाता आ जाएंगे भैया, और क्या है, मुफ्ती साहब अपनी फैमिली के साथ आ जाएंगे, हम अपनी फैमिली के साथ आ जाएंगे, तो इतने लोगों को मैनेज करना है। मुफ्ती साहब मेरे यहाँ आ जाइएगा भाइयों की शादी में, हैं? अच्छा, मेरे घर भी आ जाइएगा मेरे भाइयों की शादी में। नहीं, मैं तो आ जाऊंगा, आप लोग मैनेज कर पाओगे ये बताओ? आप दाल रोटी बना के खा दोगे कि नहीं? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, दाल रोटी के लिए बिरयानी आपने मनपसंद डिश बता दीजिएगा। अभी ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। साहब आ नहीं जाएंगे, हम तो बिहार से आएंगे। हाँ, सब जगह आ जाएंगे, हम लोग तो घूमने वाले आदमी, हम तो घूमने चलेंगे भैया। चलो, आज बिहार घूमने चल रहे हैं, आज मेरठ घूमने चल रहे हैं, बिहार कभी नहीं आए हैं, कोलकाता चल रहे हैं, तो चले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
मुफ्ती साहब मुझे आलिमा का कोर्स करना है जी। आलिमा का कोर्स करना है। अब ये तो आपके उस्ताद जवाब देंगे, इसका आलिमा का कोर्स करना है कैसे करना है मुफ्ती साहब बताएंगे। देखो आलिमा का, देखो आपकी कितनी उम्र है? मेरी पूछे मुफ्ती साहब। हाँ आपकी क्या उम्र है? 35। शादी हो गई आपकी? नहीं शादी नहीं हुई आपकी। तो आप जो है, जो देखिए अब क्या है कि इस मौके पे आके आप दीन को सीखिए और अमल करने की फिक्र कीजिए, बहुत है बस। आप अरबिक सीखिए, जो कोर आपने जो चीजें सीखी है उनको याद कीजिए, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया ना, अमल करने की कोशिश कीजिए। आलिम बनना जरूरी नहीं है, आलिम बामल यानी जितना आपने सीखा है उस पर अमल करना जरूरी है। तो आप अमल करने वाली बनिए, इंशाल्लाह आप उलम आलिम से बड़ा मकाम पा लो। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, आप क्या कैसी है? बहुत दिन से एडमिशन नहीं हो पाएगा मुफ्ती साहब। नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहिएगा, है ना, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी जैसे आपको आगे का स्टेप भी बता दिया जाएगा। आफिया बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा उसे गुस्सा भी आने लगा है, दुआ कीजिएगा। इसका वीडियो भी नहीं देख पाते हैं, पता नहीं कहां से लेंगे। वो असल में उसकी थोड़ी सी तबीयत ऐसी चलती रहती है, तो आएगी इंशाल्लाह कुछ अब सीख ले तो। इंतजाम किया जाएगा, आलिमा भी बनाया जाएगा आपको, जिसके अंदर जितना शौक होगा आखिर तक हम ले जाएंगे। जी पूछे मत पूछो, कोई क्लास नहीं होगी क्या? नहीं होगी होगी। मुफ्ती साहब मैं कुरान बटवट पढ़ी हूँ, हेलो ठीक है, तो आप अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी, जाएगा जी, बोलिएगा जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बटवट पूरा हुआ है मुफ्ती साहब। ये मुफ्ती साहब हम लोगों को ये हमें बतानी थी कि मुफ्ती साहब ने जो मुफ्ती साहब हम लोगों को पढ़ाते थे क्लास में, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे से पढ़ाया। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। ऑनलाइन क्लास चलती थी लेकिन ऐसा लगता था कि हम लोगों के सामने बैठे हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया और समझाया हम लोगों को, और अल्लाह पाक करने की भी तौफीक दे के हम लोग सारी चीजों पे अमल कर सके। तो ठीक है आप लोगों के साथ, हाँ चलिए बोलिए जी जी।